अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह से 15वां रोज़ा आज हो चुका है और अच्छे जा रहे हैं रोज़े। गर्मी तो है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये बहुत प्यारे प्यारे से बेबीज़ के ईद कलेक्शन, और उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। और देखें, बहुत सिंपल डिज़ाइन है, सब जगह मैंने बहुत अच्छी सी कलेक्शन लेके आई हूँ। ऐसी कलेक्शन है जो हाउसवाइफ जो है आराम से घर में बैठ के अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं, या जो लोग थोड़ा सा भी यानी सेंस रखते हैं कपड़े का, वो खुद आजकल मार्केट में आपको पता है हर तरह का कपड़ा मौजूद है। ये वाइट प्रिंट पर भी कपड़ा आया हुआ है और छपाई वाले कपड़े जो होते हैं वो भी आए हुए हैं, सेल्फ प्रिंट वाले वो भी आए हुए हैं, और बनारसी लॉन बनारसी भी आई हुई है। यानी गर्मी के लिहाज से भी देखें कपड़े आए हुए हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप सर्दी के कपड़े लेके बच्चों को पहनाएं फैंसी करने के लिए। नहीं, अब जो लॉन आई हुई है ना मार्केट में इस टाइम, वो बड़ी प्यारी आई हुई है। उसके साथ लेसेस इतनी अच्छी आई हुई हैं कि आपको कोई एम्ब्रॉयडरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लेसेस लेके भी बहुत प्यारे डिज़ाइन बना सकते हैं। आप जैसे ये डिज़ाइन देखिए, जस्ट सिंपल ऊपर जो है वो ग्रीन कलर से लगा हुआ और नीचे ऑरेंज ट्राउज़र, मगर कितना प्यारा लग रहा है। ये कपड़ा भी आप लोगों को यकीनन मार्केट में नज़र आ रहा होगा, लॉन बनारसी लॉन जो चल रही है आजकल। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है उसके कि आपको जो है वो जाके बहुत कुछ करना पड़ेगा बच्चों के कपड़ों के लिए। बहुत प्लेन कपड़े आजकल मिल रहे हैं, लॉन ही आजकल इतनी फैंसी माशाल्लाह आई हुई है मार्केट के अंदर कि आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। ना कोई जो है ना वो उसके ऊपर शेफोन लगानी है आपने, ना कोई जॉर्जेट लगानी है। आप सिर्फ लॉन बनारसी लॉन से ही बहुत सारे ड्रेसेस बना सकते हैं। और इसके अंदर मैंने जो है वो इस वीडियो में आपको आइडियाज़ देने की असल में कोशिश की, क्योंकि कपड़े तो देखें मार्केट में एक से एक हैं, लेकिन आइडियाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को क्या पहनाएं। तो वैसे तो ईद पर मुझे तो बच्चों पर शरारे गरारे टाइप ही थोड़ा सा फैंसी करके ही अच्छा लगता है, अंगरखड़ स्टाइल जो होता है। और मैं भी अभी अपनी भांजियों के लिए बनाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत प्यारा आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो ये मैंने इसीलिए जो है वो वीडियो डाली है कि जिनके घर में बेबीज़ हैं वो आराम से खुद घर में इस तरह के ड्रेसेस बना सकती हैं, अंगरखा स्टाइल करके, फ्रॉक करके, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर जो है वो फ्रिल के डिज़ाइन आजकल बड़े चल रहे हैं। तो आप लोग कमी शलवार ये देखिए बच्चों पे, तो कमी शलवार भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत मासूम बहुत प्यारे से लगते हैं बच्चे इस तरह के कपड़ों में भी, लाइट कलर सोबर कलर। और मार्केट में तो इस वक्त सब कुछ मौजूद है, कोई वो नहीं है कि आप ये कह लें कि जो हमने देखा था वो हमें कहीं मिल नहीं रहा। इस वक्त बहुत जो एक्सपेंसिव जो बड़े बड़े मॉल्स पर बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं ना, 10,000, 4,000, 8,000 की फ़्राकें, वो आप घर में जो है आराम से 1,000 की रेंज के अंदर आप खुद बना सकती हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारे डिज़ाइन आप लोगों को दे दिए हैं, और बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को जो एक एक चीज़ डिटेल्ड भी नज़र आ रही होगी कपड़ों के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को जो है वो मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स तो मैं हमेशा ही कहती हूँ आप लोगों से कि कमेंट्स तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, और मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये बेबी ड्रेस की कलेक्शन कैसी लगी। उम्मीद है अच्छी ही लगी होगी। और इसी के साथ जो है वो अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।